अब अगर गंगा घाटों पर अमर्यादित आप पाए गए तो आप पर सख्त एक्शन होगा। जी हाँ, गंगा की मर्यादा से खिलवाड़ करने वालों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। दरअसल एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश के मुताबिक मुनिकेरेती पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया, जिसके बाद गंगा के घाटों पर सार्वजनिक जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि पुलिस की अपनी इस कार्रवाई के दौरान 115 पर्यटकों को सार्वजनिक स्थान और गंगा तटों के किनारे शराब पीते हुए पकड़ा गया है, जिसके बाद पुलिस ने उनकी जमकर फटकार लगाई और आस्था के साथ खिलवाड़ करने पर कानूनी कार्रवाई को भी अंजाम दिया गया है। वहीं पुलिस की कार्रवाई से दौरान पर्यटकों में भी खलबली मची हुई दिखी, जहां कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए वे पुलिस के हाथ पैर जोड़ते हुए भी नजर आए, लेकिन पुलिस ने किसी भी पर्यटक की एक ना सुनी। अपनी इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 115 पर्यटकों के चालान काटे, जिनमें पुलिस ने 28,750 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया है। वहीं 70 पर्यटकों के सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने के आरोप में भी चालान काटे गए। इस दौरान पुलिस का कहना है कि मां गंगा की मर्यादा के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से गंगा किनारे बैठकर शराब पीने वालों के अलग अलग वीडियो लगातार सोशल मीडिया में सामने आ रहे थे, जिसके बाद वीडियो को देखकर लोगों की आस्था पर भी ठेस पहुंच रही थी। यही वजह है कि लोगों ने पुलिस से ऐसे लोगों पर अब कठोर कार्रवाई करने की मांग की, जिसके बाद टीमों का गठन कर अब सख्ती की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायचमारी।